देखो राजा मौली की सीधी सी बात कहना है, अगर तुम डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर बन के ही रहो, अगर तुम बिजनेसमैन बनने की कोशिश करोगे तो तुम डायरेक्टर से भी हाथ धो दोगे। डायरेक्शन इज ऑल अबाउट विजन, जो कि बॉलीवुड कभी हिला हुआ है। देखो करण जौहर पूरी कोशिश कर रहे कि साउथ वाला मूवी इनके हाथ में रहे। देखिए बाहुबली बनी, इन्होंने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर बाद में इनका क्या स्टेटमेंट रहा था कि बाहुबली को इंटरनेशनल स्टार बनाने वाले, ग्लोबल स्टार बनाने वाले धर्मा प्रोडक्शन है, यानी खुद करण जौहर ने हिट किया बाहुबली को। और इस चक्कर में वो साउथ के सारे इवेंट अटेंड करते, भाई जब भी पैन इंडिया मूवी बने तो डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट मेरे पास आ जाए। और वो गलती कहाँ कर रहे, मीडिया से इंटरेक्ट करने में, किसी का इंटरव्यू लेने में, भाई ये बंदा पूरे मीडिया के सामने टट्टी कर देता है। और इसलिए राजा मौली सुनहा ने पूछा था, बॉलीवुड में कोई ऐसा डायरेक्टर है जो आपके विजन से मैच कर सकता हो? और भाई इन्होंने सोचा था इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा नाम ले लेगा और ऊपर से मैं ही सामने बैठा हूँ। और राजा मौली ने बड़े धांसु तरीके से कहा, नो, ऐसा कोई बॉलीवुड डायरेक्टर नहीं जो मेरे विजन से मैच करता हो। और उन्होंने वहाँ ऐसी दो तीन बातें और करण जौहर से बोल दी, अगर इसके बाद भी करण जौहर वहाँ इवेंट अटेंड करते हैं तो ये आदमी इज्जत लेस से, यानी कि हटी नहीं इस आदमी की, बिना पेनी के लौटा है, जहाँ प्रॉफिट देखी वही घुलट जाता है। इतना पैसा होने के बावजूद जब ऐसी चिंदी चोरी वाली हरकत करता है ना ये बंदा, भाई बेहद ही खराब लगता है। जैसे कि आलिया भट्ट कंट्रोवर्सी, जब राजा मौली साथ खड़े थे तो उनका कहना था मूवीज ऑल अबाउट अ डायरेक्टर, और करण जौहर जैसे ही बॉलीवुड आते तब इनका कहना होता है मूवीज ऑल अबाउट अ गुड एक्टर। भाई तुम चाहते क्या हो, पहले तुम ये सोच लो बॉलीवुड में काम करना है या साउथ में काम करना है, तुम वैसे वैसे स्टेटमेंट दो ना। बट अभी सारे चीजें आई थिंक राजा मौली ने कंट्रोल में ले लिए। और जैसे कि अल्लू अर्जुन ने कहा था, मूवीज बनाने से लेकर मूवी डिस्ट्रीब्यूट करने तक सब कुछ हम ही करने वाले, हम किसी और के भरोसे नहीं होंगे, नहीं तो बाद में ये सुनने को मिलेगा भाई हमने तेरे को स्टार बना दिया। देखिए जब शुरुआत में नॉर्थ का क्रेज आया था तब उस वक्त करण जौहर नहीं थे, सिर्फ गोल्ड मैन थी जो साउथ की मूवीज को हिंदी डब करके यूट्यूब और टीवी पर टेलीकास्ट करते थे और 400-500 मिलियन व्यूज आते थे उन फिल्मों के ऊपर भी। और तब जाकर ये पैन इंडिया स्टार्ट हुआ, जब यहाँ की भारी जनता उनको देख ही रही है तो तब क्यों उन्हें बड़े पर्दे पर देखा जाए। वो चीज प्रूव करी राजा मौली ने बाहुबली का सीक्वल लेके, और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग पंच रहा वो था पुष्पा। पूरे नॉर्थ में शायद ही कोई और साउथ एक्टर क्रेज होगा जितना अल्लू अर्जुन का है। और इसके बाद आरआर आई, फिर केजीएफ 2 आ गई, और अभी आचार्य भी आ रही है। देखो राजा मौली की सीधी सी बात कहना है, अगर तुम डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर बन के ही रहो, अगर तुम बिजनेसमैन बनने की कोशिश करोगे तो तुम डायरेक्टर से भी हाथ धो दोगे। डायरेक्शन इज ऑल अबाउट विजन, जो कि बॉलीवुड कभी हिला हुआ है। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।